हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, माइनिंग मेट और माइनिंग फोरमैन स्पेशली जो इम्पोर्टेंट सब फ्लोर लेवल का जो DGMS एग्जामिनेशन होता है उसी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली माइनिंग फोरमैन एंड मेट एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि आपका फ्रेंड सर्कल में दूसरा लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हुई स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग स्लरी एक्सप्लोसिव। स्लरी एक्सप्लोसिव के बारे में इनमें से दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट एक गलत है, वो गलत स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज ए हाई एक्सप्लोसिव। ये सही है कि गलत है? स्लरी एक्सप्लोसिव इज ए हाई एक्सप्लोसिव, ये सही है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, जिसको TNT शॉर्ट में बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ TNT, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। ये सही है कि गलत है? ये भी सही है, क्योंकि स्लरी एक्सप्लोसिव एक केमिकल मिक्सचर है किसका किसका, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर का। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज कितना रहता है, 20%, 65% एंड 15%, ये रेशियो में TNT अमोनियम नाइट्रेट और वाटर इसमें रहता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट एक्ट्स एज सेंसिटाइजर इन स्लरी एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है वाटर कीप्स अदर ग्रेडियंट्स इन सस्पेंशन, और ऑप्शन ई बोल रहा है नॉन ऑफ दिच। तो इनमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर यानी कि स्लरी एक्सप्लोसिव के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है यह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है अमोनियम नाइट्रेट एक्ट्स एज सेंसिटाइजर इन स्लरी एक्सप्लोसिव, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट तो यूज होता है स्लरी एक्सप्लोसिव में, लेकिन ये सेंसिटाइजर के हिसाब से काम नहीं करता है, ये ऑक्सीडाइजर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अमोनियम नाइट्रेट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन स्लरी एक्सप्लोसिव, लेकिन इसमें सेंसिटाइजर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू ब्रॉट डाउन ग्राउंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। इनमें से कौन सा मेथड जो इसमें लिखा गया है एक सही मेथड नहीं है ग्राउंड वाइब्रेशन ब्लास्टिंग के दौरान कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, प्री स्प्लिटिंग, यूज ऑफ डिले डिटोनेटर, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, अवॉइड अंडरचार्जिंग, नॉन ऑफ दिच। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, ग्राउंड वाइब्रेशन को नीचे रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो मेथड लिखा गया है इसमें से कौन सा सही मेथड नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों गलत है, क्योंकि देखिए प्री स्प्लिटिंग ये तो ग्राउंड वाइब्रेशन कंट्रोल करने का ग्राउंड वाइब्रेशन कंट्रोल करने का ये मेथड है। यूज ऑफ डिले डिटोनेटर होने से जो टाइम गैप के वजह से ग्राउंड वाइब्रेशन कंट्रोल होता है। तीसरा जो बोल रहा है यूज ऑफ एक्सप्लोसिव ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, अगर हमारा रॉक का स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ मैच करेगा तो जाके अगर बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, डिफरेंस रहेगा, तो ग्राउंड वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यूज ऑफ करेक्ट एक्सप्लोसिव ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी इज ऑल्सो ए मेथड टू ब्रॉट डाउन ग्राउंड वाइब्रेशन। अवॉइड अंडर चार्जिंग होने से
ग्राउंड वाइब्रेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभर्ड ओवर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग अगर हम करते हैं तो ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवॉइड जो अंडर चार्जिंग है ये गलत है, अवॉइड ओवर चार्जिंग यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा एनालिसिस करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड एक्सेट्रा कॉम्स अंडर डैश, रेलवे लाइन के पास या पब्लिक रोड के पास काम करने का जो तरीका डिस्कस किया गया है रेगुलेशन में, कौन सा रेगुलेशन में इसको डिस्कस किया गया है, रेगुलेशन 105, रेगुलेशन 110, रेगुलेशन 109, रेगुलेशन 106, नॉन ऑफ दिच। तो इसका सही आंसर क्या है, वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड रेगुलेशन 109, 109 रेगुलेशन 109 में ये डिस्कस किया गया है वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड्स। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन फ्लूइड इन ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन में जो सर्कुलेशन फ्लूइड यूज होता है, सर्कुलेशन फ्लूइड मतलब कंप्रेस्ड वाटर हो सकता है, कंप्रेस्ड एयर होता है, तो ये सब का फंक्शन तो आप लोग जानते हैं, इनमें से कौन सा इसका फंक्शन नहीं है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए क्लीन्स द होल, होल को क्लीनिंग करना, ऑप्शन बी कंट्रोल द डस्ट, डस्ट को कंट्रोल करना, कूल्स द बीट, बीट को कूल करना, स्टेबिलाइज वाल ऑफ होल, होल का वाल को स्टेबिलाइज करना, नॉन ऑफ दिच। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। कैसे इसका आंसर नॉन ऑफ दिच होगा, देखिए जो ड्रिल मशीन में हम लोग फ्लशिंग करते हैं वही है उसका जो सर्कुलेशन फ्लूइड, फ्लशिंग करते हैं वाटर करते हैं कंप्रेस्ड एयर के साथ, तो उसका पर्पज क्या है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, होल क्लीनिंग होता है जो ऑप्शन ए में लिखा गया है ये सही है, डस्ट कंट्रोल होता है ये सही है, बीट जो कि पत्थर के साथ पत्थर के साथ घिसते हुए पत्थर में होल करता है तो उसमें टेम्परेचर जनरेट होता है, बीट गर्म हो जाता है तो उसको कूल रखने में मदद करता है ये भी सही है, स्टेबिलाइज वाल ऑफ होल जो ड्रिल होल होता है जो अगर ओवर बॉडी में हम ड्रिलिंग करें ठीक है उस टाइम में स्टेबिलाइजेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ओबी में हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में उस होल को स्टेबिलाइज करने में ये मदद करता है, ये जो हम लोग कंप्रेस्ड एयर और वाटर को फ्लशिंग करते हैं वो, क्योंकि आप देखे होंगे मान लीजिए आप एक ड्राई मिट्टी को हाथ में पकड़ेंगे और थोड़ा हल्का गीला कर देंगे तो स्टेबिलाइज कौन रहेगा, थोड़ा गीला वाला, तो ये जो हम सर्कुलेशन फ्लूइड यूज करते हैं वो होल का वाल को स्टेबिलाइज करने में मदद करता है। तो ये चारों सही आंसर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सर्कुलेशन फ्लूइड यूज करने का एडवांटेज नहीं है या उसका फंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये सब क्योंकि उसका फंक्शन है इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दिच जो कि ऑप्शन ई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्ट सच एनर्जी ट्रांसमीटर इन ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन में कौन सा कंपोनेंट एनर्जी ट्रांसमीटर के हिसाब से काम करता है, ऑप्शन क्या क्या है, द ड्रिल बिट, द ड्रिल रॉड, द एनर्जी सोर्स, नॉन ऑफ दिच। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द ड्रिल रॉड, जो ड्रिल रॉड होता है वो एनर्जी ट्रांसमीटर के हिसाब से काम करता है। दोस्तों जो ड्रिल होता है, ड्रिल मतलब जो ड्रिल का इंजन होता है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसके बाद जो ड्रिल रॉड होता है उस सोर्स से ट्रांसमिट करता है ड्रिल रॉड के थ्रू किसके पास, ड्रिल बीट के पास मतलब एनर्जी सोर्स से ड्रिल बीट तक एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है, ड्रिल रॉड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसमीटर। उसी तरह ड्रिल बीट क्या है, ड्रिल बीट है एनर्जी एप्लीकेटर। तो दोस्तों ये सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ तो पूछ लिया कि एनर्जी ट्रांसमीटर कौन है, कभी कभी पूछ भी सकता है कि एनर्जी एप्लीकेटर कौन है, तो जो ड्रिल है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ड्रिल रॉड जो है वो है एनर्जी ट्रांसमीटर, और ड्रिल बीट जो है वो है एनर्जी एप्लीकेटर, इसको आपको याद करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो ओनर और मैनेजर शैल इन्फॉर्म टू आरआई बाय टेलीफोन एंड शैल गिव नोटिस विद इन डैश ऑफ ऑकरेंस ऑफ सच एक्सीडेंट। यानी कि ओनर या मैनेजर आरआईएम को टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करेंगे एंड एक नोटिस देंगे एक्सीडेंट होने के बाद कितने टाइम के अंदर। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 72 आवर्स, 7 डेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आप जैसे जानते हैं कि ये नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि रेगुलेशन 9 में है। तो इसका जो पूरा सीक्वेंस है कि एक्सीडेंट होने के तुरंत पहले तो बाय टेलीफोनिकली और स्पेशल मैसेंजर के थ्रू आरआईएम को हमको इन्फॉर्म करना है। इसके बाद 24 आवर्स के अंदर हमको फॉर्म 4A में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेजना है। ठीक है, ये सब होने के बाद जब 7 दिन बीत जाएगा एक्सीडेंट होने का 7 दिन के अंदर हमको डिटेल्स ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ पर्सन इंजर्ड और डेथ सब डिटेल्स हमको फॉर्म 4B में भेजना है। यानी कि कितना आदमी का सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ, कितना आदमी का डेथ हुआ, ये सब पार्टिकुलर्स हमको फॉर्म 4B में 7 दिन के अंदर भेजना है। और नेक्स्ट बात क्या लिखा गया है कि जब वो इंजर्ड पर्सन क्योर होकर ड्यूटी वापस ज्वाइन करें, उनका ज्वाइन होने का 15 दिन के अंदर अंदर हमको फॉर्म 4C भेजना है। तो फॉर्म 4A 24 आवर्स के अंदर भेजना है, फॉर्म 4B एक्सीडेंट का 7 डेज का अंदर अंदर भेजना है, और फॉर्म 4C जब इंजर्ड पर्सन क्योर होकर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे दोबारा, तो उस जो उसके 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 4C भेजना है। तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट फॉर्म 4A होता है, फॉर्म 4B होता है, फॉर्म 4C होता है। लेकिन अगर ऐसे जनरल फॉर्म 4B और फॉर्म 4C एक इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन नोटिस ऑफ एक्सीडेंट होता है फॉर्म 4A जो कि 24 आवर्स के अंदर भेजना पड़ता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग अप ऑफ माइंड आउट एरिया इन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज डैश। यानी कि ओपन कास्ट माइंस में जो माइंड आउट एरिया है, जहां माइनिंग हो चुका है, उसको फिलिंग करने का प्रोसेस को माइनिंग टर्म में क्या बोला जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रेंचिंग, रिक्लामेशन, ओबी रिमूवल, नॉन ऑफ दिज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है रिक्लामेशन। रिक्लामेशन, रिक्लामेशन करने का मतलब है कि जो माइंड आउट एरिया है, जहाँ पे माइनिंग हो चुका है, वहाँ पे ऑलरेडी मिनरल हम लोग एक्सकवेट करके ले चुके हैं, उस वॉयड को फिलिंग करना, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिकॉशंस इन केस ऑफ सॉकेट इज डिस्कस्ड इन व्हिच रेगुलेशन। सॉकेट अगर फॉर्मेशन हुआ तो उस केस में हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये कौन सा रेगुलेशन में डिस्कस किया गया है। दोस्तों इसके पहले सॉकेट के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं कि मिसफायर एक अलग चीज़ है, सॉकेट एक अलग चीज़ है। क्या डिफरेंस है दोनों में, मिसफायर में और सॉकेट में क्या डिफरेंस है। मिसफायर मतलब है कि एक्सप्लोसिव चार्ज हुआ ड्रिल होल के अंदर, हम लोग एक ब्लास्टिंग किए, एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन आइदर टोटल एक्सप्लोसिव हो या उसका कुछ भी पार्ट बच गया हो। मान लीजिए आप एक होल में 3 कैटरिज यूज किए हैं, आइदर तीनों कैटरिज ही नहीं ब्लास्ट हुआ या फिर 2 ब्लास्ट हुआ, 1 कैटरिज बच गया है होल के अंदर। यानी कि पूरा एंटायर एक्सप्लोसिव चार्ज ब्लास्ट ना हुआ हो या फिर कोई भी पार्ट उसका अनब्लास्टेड रह गया हो, वो हो गया मिसफायर। यानी कि मिसफायर के केस में ब्लास्टिंग तो हो जाता है लेकिन एक्सप्लोसिव का कुछ पार्ट होल के अंदर रह जाता है। लेकिन सॉकेट का केस में क्या होता है, सॉकेट मतलब कि पूरा एक्सप्लोसिव सब एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, पूरा एक्सप्लोसिव ख़त्म हो गया, लेकिन होल का कोई कुछ पार्ट बच गया। यानी कि एक्सप्लोसिव सब एक्सप्लोड हो गया है, लेकिन जो ब्लास्ट होल में हम एक्सप्लोसिव डाल के उसको ब्लास्टिंग कर रहे थे, उस होल का
कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसको बोलते हैं सॉकेट। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, सॉकेट और एक मिसफायर के बीच में। मिसफायर में एक कंप्लीट चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन हो नहीं पाता है, कुछ पोर्शन एक्सप्लोसिव होल के अंदर रह जाता है, वो हो गया मिसफायर। लेकिन मिस सॉकेट का केस में एक्सप्लोसिव पूरा एक्सप्लोड हो गया है लेकिन उस ब्लास्ट होल का कुछ पार्ट रिमेन रह जाता है, आज इट इज खड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉकेट। तो ये सॉकेट अगर फॉर्मेशन हो गया ब्लास्टिंग के दौरान तो हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये कौन सा रेगुलेशन में डिस्कशन किया गया है? रेगुलेशन 167, रेगुलेशन 154, रेगुलेशन 171, रेगुलेशन 168। तो इसका सही आंसर है रेगुलेशन 168। यहाँ पे प्रिकॉशन इन केस ऑफ सॉकेट के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड इन ए माइन एक्सेप्ट दैट प्रोवाइडेड बाय द डैश। माइंस में कोई दूसरा एक्सप्लोसिव यूज ही नहीं होगा एक्सेप्ट जो एक्सप्लोसिव किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, किसके द्वारा आपको दिया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? ओनर, मैनेजर, एजेंट, ऑल ए बी सी, ओनली ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ए बी सी, यानी कि ओनर, एजेंट और मैनेजर का अलावा जो उन्होंने दिए हैं एक्सप्लोसिव उसके अलावा हम दूसरा किसी एक्सप्लोसिव में इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो उन्होंने सप्लाई किए हैं उनको ही हमको यूज करना है। ये एक सेफ्टी पर्पज के लिए रेगुलेशन जो दिया गया है कि हमको सिर्फ जो ओनर, एजेंट, मैनेजर हमको प्रोवाइड किए हैं हमको उसी एक्सप्लोसिव से ही ब्लास्टिंग करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर एन एयर रिसीवर पुट इन कमीशन हाइड्रोलिक टेस्ट शैल बी कैरिड आउट एट ए प्रेशर डैश टाइम्स द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर। इसका मतलब क्या है? कोई भी एयर रिसीवर जो हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक ये सब जब कमीशन होने से पहले उसका हाइड्रोलिक टेस्ट करने का प्रोविजन है। तो जब हम हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसका हाइड्रोलिक टैंक का जहाँ जिसमें जो कि प्रेशर में रहता है, जो भी ऑपरेटर्स प्रेशर में रहता है, जैसे हमारा एक्सकावेटर का हाइड्रोलिक टैंक, उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है वो हाई प्रेशर में रहता है। तो इस टाइप का जितना मतलब एयर रिसीवर टैंक हो गया, हाइड्रोलिक टैंक हो गया, जितना भी ऑपरेटर्स प्रेशर में रहते हैं उनका कमीशनिंग पहले हाइड्रोलिक टेस्ट करने का प्रोविजन है। तो ये जो हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं तो उस हाइड्रोलिक टैंक का परमिसिबल वर्किंग प्रेशर से कितना ज़्यादा वर्किंग प्रेशर में इसको हम टेस्ट करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है? टू टाइम्स, हाफ टाइम्स, वन एंड हाफ टाइम्स, थ्री टाइम्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वन एंड ए हाफ टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपका हाइड्रोलिक टैंक का हम बात कर लेते हैं, एक्सकावेटर में जो हाइड्रोलिक टैंक रहता है जहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल डालते हैं वहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल बहुत प्रेशर में रहता है। तो जिस कंटेनर के अंदर हम उसको रख रहे हैं, जो हाइड्रोलिक टैंक के अंदर उस ऑयल को रख रहे हैं जो कि इतना प्रेशर में है, उसका अगर कैपेसिटी नहीं होगा उसको बियर करने के लिए, उस प्रेशर को बियर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना हाई प्रेशर में जब ऑयल उसमें डाल रहे हैं हम लोग, मतलब उसमें तो ऑयल डाल रहे हैं, वो उतना हाई प्रेशर में वहाँ रह रहा है, वो टैंक अगर उसका कैपेसिटी ही नहीं होगा उस प्रेशर को झेलने के लिए, उसको बियर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? पूरा बहुत ज़ोर से एक्सप्लोजन हो जाएगा, पूरा फट जाएगा वो। तो इसीलिए उसका कैपेसिटी है कि नहीं उस जो हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर को बियर करने के लिए, इसीलिए हाइड्रोलिक टेस्ट होता है। तो जब हाइड्रोलिक टेस्ट होता है उस टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है कि जो उस टैंक का जो मैक्सिमम वर्किंग मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर जितना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए 100 बार है उसका कैपेसिटी है, 100 बार प्रेशर तक वो
विथस्टैंड कर पाएगा उस प्रेशर को, उसका मैक्सिमम वर्किंग परमिसिबल प्रेशर है 100 bar। तो जब टेस्ट करेंगे उसका 1.5 गुना प्रेशर से हम टेस्ट करेंगे, यानी कि 100 + 50 यानी कि 150 bar प्रेशर देकर उसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं फटता है कि नहीं। तो अगर 150 gram प्रेशर को विथस्टैंड कर लिया, उसके पास कैपेसिटी है उसको बियर करने के लिए, तो ये सही है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए जब भी हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, जिस टैंक जिस अपरेटस का हम टेस्ट कर रहे हैं उसका जितना मैक्सिमम वर्किंग परमिसिबल प्रेशर, जितना मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है उसका, उससे 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर देके उसको हम टेस्ट करते हैं कि वो स्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 1.5 times बोल सकते हैं या 1.5 times। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी फेंसेस इरेक्टेड ऑन द सरफेस साल एटलीस्ट इन एवरी डैश डेज बिफोर एग्जामिन बाय डैश, यानी कि माइंस में सरफेस में जितना फेंसिंग है सबको कितने दिन के अंदर किसके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, जितना भी फेंसिंग्स है ओपन कास्ट माइंस में सरफेस में, तो ऑप्शंस क्या क्या है, 7 days कॉम्पिटेंट पर्सन, 3 days माइनिंग मेट, 3 days कॉम्पिटेंट पर्सन, क्वार्टर कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, हर तीन दिन में एक माइनिंग मेट के द्वारा, हर 3 दिन में एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, हर क्वार्टर में एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एवरी फेंसिंग, यानी कि हर जितना भी माइंस में फेंसिंग होगा सभी फेंसिंग को हर 7 दिन में, यानी कि वीकली एक बार, हर 7 दिन में एक, मतलब हर 7 दिन में एक बार मिनिमम एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, तो नहीं कोई कहाँ गिर तो नहीं गया, कहीं पे कोई तोड़ तो नहीं दिया, इस टाइप का मतलब एग्जामिन करवाना है हर 7 दिन में मिनिमम एक बार कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा हर फेंसिंग को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 days कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप का इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे हर वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी जो रिसेंटली अपलोड करा हम सिर्फ वही एग्ज़ाम में आ सकता है, जितना भी पहले भी डाल